हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मजिस्टर टीचिंग। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वर्किंग ऑफ सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर एंड इट्स एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, जो लास्ट वीडियो थी इसमें मैंने बात करी थी कि हमारा मास्टर सिलेंडर होता क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं और इसके कितने कंपोनेंट होते हैं। तो वो जो लास्ट वीडियो थी उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज उसी वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर होता है ये कैसे काम करता है और इसके क्या एप्लीकेशन रहती है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, फर्स्ट हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर। फ्रेंड्स, जो सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर होता है ये एक बहुत ही सिंपल टाइप का मास्टर सिलेंडर होता है। ये हमारा जो व्हीकल होती है इसमें सभी कंडीशन में सेम फोर्स को अप्लाई करता है। फ्रेंड्स, जो हमारा सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर होता है इसमें 5 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रिजर्व वायर, सेकेंड होता है सिलेंडर, थर्ड होता है पिस्टन, फोर्थ होता है रिटर्निंग स्प्रिंग, फिफ्थ एंड लास्ट होता है हमारा वाल्व। फ्रेंड्स, जो हमारा सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर होता है इसमें केवल 2 वाल्व होते हैं, एक हमारा इनलेट वाल्व होता है और एक हमारा आउटलेट वाल्व होता है। और इसके अंदर केवल एक ही कंप्रेशन चैम्बर होता है जिसके अंदर हमारा एक साइड से फ्लूइड आता है और एक साइड से कंप्रेस होकर ब्रेक लाइंस के थ्रू आगे जाता है। फ्रेंड्स, जब ये सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर काम करता है तो होता क्या है। फ्रेंड्स, जो हमारा व्हीकल की ब्रेक होती है वो हमारे मास्टर सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होती है वो आपस में कनेक्टिंग रॉड के द्वारा कनेक्ट होते हैं। जब ब्रेक पैडल को प्रेस किया जाता है तो जो हमारा सिलेंडर के अंदर पिस्टन होती है वो मूव होती है। जो हमारी पिस्टन होती है उसके मूवमेंट के कारण जो हमारे सिलेंडर के अंदर इनलेट वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है। फ्रंट जो हमारा इनलेट वाल्व होता है उसके ऊपर हमारा फिक्स होता है ब्रेक ऑयल रिजर्वायर। तो उस इनलेट वाल्व के ओपन होने के कारण ब्रेक फ्लूइड हमारा सिलेंडर के कंप्रेशन चैम्बर के अंदर आ जाता है। फ्रेंड्स, जब वो कंप्रेशन चैम्बर के अंदर आ जाता है तो जो हमारे ब्रेक पैडल को प्रेस किया तो वो तो मूव हुई पिस्टन, तो उस पिस्टन के मूवमेंट के कारण जो हमारा ऑयल होता है ब्रेक ऑयल कंप्रेशन चैम्बर में वो कंप्रेस हो जाता है। फ्रेंड्स, जब वो कंप्रेस होता है पिस्टन मूवमेंट के कारण तो एक सर्टेन प्रेशर आता है जो उसमें सेट होता है कि इस प्रेशर पे आके जो हमारा आउटलेट वाल्व है सिलेंडर के अंदर वो ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब वो कंप्रेस होता है तो वो एक सर्टेन प्रेशर पे पहुंच जाता है और जिसके बाद जो हमारा आउटलेट वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है। जब वो वाल्व ओपन हो जाता है आउटलेट वाल्व, तो फिर हमारा जो हाईली कंप्रेस्ड ब्रेक फ्लूइड होता है वो ब्रेक लाइंस के थ्रू हमारा, अगर डिस्क ब्रेक होती है तो ब्रेक कैलिपर में चला जाता है, अगर ड्रम ब्रेक होती है तो व्हील सिलेंडर के अंदर चला जाता है और आगे जाके वो अपना प्रोसेस करता है। इस तरीके से जो हमारा वर्क करता है सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर। फ्रेंड्स, एग्जांपल के लिए आपने मेडिकल सिरिंज देखी होगी, सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर सेम उसी की तरह वर्क करता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर की। सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर बहुत ही सिंपल टाइप का मास्टर सिलेंडर होता है, तो ये मेनली आज के टाइम पे जो टू व्हीलर्स होती हैं उनमें यूज किया जाता है। साथ ही जो हमारे लाइट वेट व्हीकल्स होती हैं जैसे ई रिक्शा वगैरह हो गए उनमें भी यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मजिस्टर टीचिंग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।